आपने कभी किसी को आई लव यू कहे बिना आई लव यू कहा है? चलो एक कहानी सुनाती हूँ। हाय, माय नेम इज अमीशा। यस टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो लव स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका टाइटल है, आपने कभी किसी को आई लव यू कहे बिना एक ब्लैंक मैसेज किया है? आज कुछ साल पहले की बात करती हूँ, जब 30 रुपए में 500 SMS मिलते थे और फोन होता था नोकिया 1110। जी हाँ दोस्तों, कुछ टाइम पहले की बात है। एक राजा नाम का लड़का होता था, उसके साथ स्कूल में कोई भी लड़की नहीं बातचीत करती थी। उसका नेचर ही कुछ ऐसा था, उसे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो बोलते हुए हिचकिचाता था। उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, ना कोई लड़का ना कोई लड़की। उससे कोई बातचीत करते हुए भी बहुत कतराता था, उससे कोई भी बातचीत करता ही नहीं था। फिर दौर आया कॉलेज का। कॉलेज में एक उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी, लेकिन इस कहानी में उस फ्रेंड का कोई रोल नहीं है। रोल है तो उस फ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड का। जी हाँ दोस्तों, उस फ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड का। वो राजा की बहुत अच्छी दोस्त बनी, बहुत करीबी दोस्त बनी। फिर घंटों तक रात भर बातें चलने लगी फोन पर। अगर फोन के मैसेज खत्म तो कॉल पे बात, कॉल पे बात खत्म तो दोबारा मैसेज शुरू, फिर मैसेज शुरू, फिर कॉल्स पे बात। ऐसे ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। कुछ टाइम बाद वो एक बार फोन पे बात कर रहे होते हैं तो पीछे एक गाना चल रहा होता है रेडियो में। तो राजा उस लड़की से पूछता है कि ये कौन सा गाना चल रहा है, तो वो बताती है, तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे सुनाई दिया? तो उसने बोला कि मेरे रेडियो पे भी यही गाना चल रहा है। दोनों 2 मिनट का साइलेंस लेते हैं और गाने को फील करते हैं। दोनों गाने ही गानों में बातें कर रहे होते हैं। दोनों के फेस पर एक अलग ही स्माइल होती है। दोनों, उधर राजा भी हंस रहा होता है और वो लड़की भी हंस रही होती है। देखते ही देखते वो गाना दोनों का मनपसंद गाना हो जाता है और बातचीत कुछ इस तरह होती है 2 मिनट के बाद कि जब भी हम कहीं ये गाना सुनेंगे तो हम एक दूसरे को ब्लैंक मैसेज करेंगे। तो जैसे ही वो लड़की उसे ब्लैंक मैसेज करती है गाना सुनने के बाद, तो ये वही गाना है जो बज रहा है। तो राजा ने इसका आंसर स्माइल के साथ दिया। जो स्माइल आपके फेस पर अब आ रही है ना, वही स्माइल राजा और उस लड़की के फेस पर आती थी। और उस ब्लैंक मैसेज का रिप्लाई दोनों स्माइली के साथ देते हैं। राजा जब उसको मैसेज करता है लड़की को, तो लड़की भी स्माइली के साथ रिप्लाई देती है। जब लड़की ब्लैंक मैसेज करती है तो लड़का भी स्माइल के साथ रिप्लाई देता है। तो इस स्टोरी से 2 बातें रियलाइज हुई। पहली ये, रिलेशनशिप में गाना होने के लिए रिलेशनशिप में होना जरूरी नहीं है। और दूसरी ये कि हम किसी को आई लव यू कहे बिना भी आई लव यू कह सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वो गाना कौन सा था? सोच रहे हो ना, उस गाने का नाम था आज दिन चढ़िया फ्रॉम लव आजकल। तो दोस्तों अपना फेवरेट गाना भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी और लव स्टोरीज लेकर मैं आपके साथ आती रहूंगी। और देखते रहिए यस टीवी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको ये स्टोरी सुनने के बाद प्यारी सी मुस्कान आपके चेहरे पर आई है तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।